हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। बेसिकली कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है हमारे पास एक मैट्रिक्स अगर एम क्रॉस एन का है तो उसका ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा वो एन क्रॉस एम का होगा, और साथ में जो उसकी रो होगी, यानी जब सपोज एक रो है उसको हमें कॉलम में चेंज कर देना है। इन जनरल अगर हम बात करें कि सपोज कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है A11, A12, सॉरी A12 यहाँ आएगा, डॉट डॉट A1n, B11, B22, डॉट डॉट B2n। ए पे ही बात कर रहे हैं तो ए पे ही बात कर लेते हैं। ए पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A21, A22, डॉट डॉट A2n, और ये हो जाएगा AM1, AM2, डॉट डॉट AMn। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो बेसिकली ये जो रो है इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है, यानी तो ये हो जाएगा A11, A12, डॉट डॉट A1n। ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, बी सॉरी A21, A22, डॉट डॉट A2n। इसी तरह से एम्थ रो जो है एम्थ कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा AMn सॉरी AM1, AM2, डॉट डॉट AMn। तो ये जो नया मैट्रिक्स निकलेगा वो मैट्रिक्स कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये कहलाता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें 0-1, 8-7-4, ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, तो अभी माइन ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो चुकी है, 0-1, 8-7-4। इस तरह सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में चेंज हो गई, फोर्थ रो जो है फोर्थ कॉलम में चेंज हो गई। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का ट्रांस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब फिर हम यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूट ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो बेसिकली ए बी, ए जो है वो ये है, बी जो है ये है। तो यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा ए बी, ए बी जो है बेसिकली इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास जब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, यहाँ पे ये कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, यानी कि माइन पहले का फर्स्ट का मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। -2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो ये हो जाएगा 4, 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -1, और ये 0 तो ये हो गया 3। इस तरह से बाकी का भी करके हम ए बी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो बेसिकली ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -4 -4, और ये रो है इस कॉलम में चेंज हो जाएगी तो -5, 5, 9, ये हो गए हमारे पास। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो बी ट्रांसपोज बेसिकली क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में चेंज करना, -2, 1, 2 है एंट्री तो -2, 1, 2, इस तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और इस तरह दोनों का मल्टीप्लाई डिफाइन किया, तो मल्टीप्लाई डिफाइन करने पर यह आ जाएगा 3। तो जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था इस तरह से 3, और ये -4, -4, 5, 5, 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली ये जो है दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से जो एक प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट होता है। अब फिर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली अगर ए कोई ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और जो है अप्रोप्रियट साइज
उनका जो मल्टीप्लाई और डिफाइन जो है वो इस तरह से अगर डिफाइन है तो उस कंडीशन में, तो बेसिकली ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो वो ए ही होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब ए को हम पहले ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, ए अगर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में, और जब हम ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बेसिकली जो कॉलम चेंज हुआ वो फिर से रो बन जाएगा, और जो रो जो कॉलम जो है वो रो में चेंज हुई तो वो रो जो है फिर से कॉलम बन जाएगा, तो ए ट्रांसपोज जो है वो एक इक्वल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज बराबर जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि क्योंकि ए प्लस बी बराबर जो होता है वो बी प्लस ए होता है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो अगर हम बात करें बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं। अगर हम बात करें अल्फा ए ट्रांसपोज की बात, तो अल्फा ए बेसिकली अल्फा का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन में अल्फा का मल्टीप्लाई हर एंट्री से हो जाएगा, हर रो हर कॉलम से, मतलब हर एंट्री से हो जाएगा। अब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सपोज वो ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, अब उसमें से हम फिर से अल्फा को बाहर ले सकते हैं तो बाहर लेके वो ए ट्रांसपोज बन जाएगा, यानी सपोज कि इसका अल्फा ए का मल्टीप्लाई करने पे बी आया तो बी ट्रांसपोज, फिर से हम जब अल्फा कॉमन लेंगे तो वो ए ट्रांसपोज आ जाएगा, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखी थी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, पहले तो ये है हमारे पास ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो पड़ी थी उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए वन ए टू डॉट डॉट ए के अगर दो मैट्रिक्स है तो वो उनका ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले सबसे फास्ट लास्ट का ट्रांसपोज, उसके बाद ए के माइनस वन का ट्रांसपोज डॉट डॉट ए लास्ट का ट्रांसपोज, तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये और स्पेशल केस होता है ए के ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज के, एक ये स्पेशल केस भी होता है कि अगर ए की पावर के यानी ए का के टाइम मल्टीप्लाई है तो उसका मल्टीप्लाई करके भी हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं।